अगर आप बाबर आजम के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं और क्रिकेट आपका पैशन है, तो डेफिनेटली ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। क्योंकि आपको बताते चले कि बाबर आजम की तारीफ में इस दफा जिस प्लेयर ने उठकर बयान दिया है, वो पाकिस्तान से नहीं है, वो इंडिया से नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, वो श्रीलंका से नहीं है, अगर वो इन बड़े मुल्कों से नहीं है तो किधर से है। तो जनाब इस दफा जिस बंदे ने बयान दिया है वो जनाब साउथ अफ्रीका से उनका ताल्लुक है और लेफ्ट हैंड स्पिनर है। जी जनाब डेफिनेटली तबरेज शमसी की बात करने लगे हैं। तबरेज शमसी ने बाबर आजम को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और ये बयान उन्होंने बिल्कुल फैक्ट और फिगर को देखकर दिया है। कोई जुबानी खिलाफ बयान नहीं दिया, कोई हमदर्दी वाला बयान नहीं दिया, कोई मोटिवेट करने वाला बयान नहीं दिया, कोई मुश्किल वक्त में बाबर आजम जिस तरह से सपोर्ट करते थे, ट्वीट करते थे विराट कोहली के लिए, उस तरह का बयान नहीं दिया उन्होंने। बिल्कुल हकायक पर मबनी बयान दिया है। क्या कहा है तबरेज़ शमसी ने? तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टुडे, मतलब आज के दौर का बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बेहतरीन प्लेयर है। कुछ लोग कहते हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ, लेफ्ट हैंड स्पिनर्स के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये बात उन्होंने टेस्ट सीरीज को बेस पे रखकर की है, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली है और जनाब जयसूर्या के खिलाफ बाबर आजम की शायद उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। और यही वो वजह है कि तबरेज़ शमसी ने क्लियर बात की है कि बाबर आजम लेफ्ट हैंडेड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। यही वजह है कि उनकी एवरेज जो है वो 50 प्लस है, यानी कि एवरेज में कमी नहीं है। अगर बाबर आजम कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड स्पिनर से फंसते, उनसे बार बार आउट होते, उनके साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस ना दिखा पाते, तो शायद बाबर आजम की एवरेज भी जो है वो कम हो जाती। उन्होंने कहा कि मैंने बाबर आजम के साथ खेला है और मुझे पता है कि उनको गेंदबाजी करना कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है। समझ में नहीं आता कि उनको गेंद कहाँ करनी है, क्योंकि उनके पास हर शॉट का बेहतरीन स्टांस मौजूद है, हर गेंद का बेहतरीन शॉट मौजूद है, और हर गेंद को कहां पर खेलना है, मेरिट पे खेलना है, ये टेक्निक वो जानते हैं। यही वजह है कि तबरेज़ शमसी ने आगे बढ़कर पूरी तरह से बात क्लियर की और उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट की रूह से ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि बाबर आजम इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टुडेज नाउ। इस वक्त बाबर आजम का एरा है। बहुत से लोग कंपैरेटिवली कंपैरिजन करते हैं बाबर आजम और विराट कोहली का। अभी विराट कोहली और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि बाबर आजम इज फार अहेड नाउ। बाबर आजम बहुत आगे हैं विराट कोहली से। आप अगर रैंकिंग उठाकर देखना चाहते हैं तो नंबर वन ओडीआई बैट्समैन, नंबर थ्री टी20 बैट्समैन और नंबर फोर इन द टेस्ट बैट्समैन, तो कहां पर आप बाबर आजम को नहीं ढूंढेंगे, हर जगह पर बाबर आजम आपको मिलेंगे। यही वजह है कि बाबर आजम का जादू जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। पूरी आप इंडियन मीडिया उठाकर देख लें, पूरे जो है आप इंटरनेशनल प्लेयर्स उठा के देख लें, वीरेंद्र सहवाग ने बाबर आजम की तारीफ की है, नासिर हुसैन ने बाबर आजम की तारीफ की है, रोहित शर्मा ने बाबर आजम की तारीफ की है। सारे प्लेयर्स जानते हैं कि बाबर आजम की क्लास है। और आपको मैं यहां पर एक बड़ी ही जबरदस्त बात बताता चलूं कि अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को देखें ना, तो किसी को भी कोई इशू नहीं होता एक दूसरे के साथ, कोई भी एक दूसरे से जेलसी फील नहीं करता। सिर्फ ये जो हमारी फैंस हैं उन्होंने अपने अपने फेवरेट को, जाहिर बात है आइडियल है उनके, सपोर्ट करना होता है और ये नोकझोंक तो लगी रहती है। एक तरफ पाकिस्तानी फैंस हैं, दूसरी तरफ इंडियन फैंस हैं, तो दोनों की आपस में नोकझोंक, तो यही क्रिकेट का हुस्न है। लेकिन दोस्तों तबरेज़ शमसी ने बेहतरीन बात की, अच्छी बात की, फैक्ट और फिगर पर बात की, शानदार तरीके से क्लियर किया कि बाबर आजम क्यों नंबर वन बैट्समैन है और वो डिजर्व करते हैं इस पोजीशन को, उन्होंने अर्न की है इस पोजीशन को, वो ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लगता है कि तबरेज़ शमसी की बात ठीक नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, लाइक सब्सक्राइब और अल्लाह हाफिज़।